नमस्ते, राम राम सा, मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं नई डिश बनाने जा रही हूँ रवे से। रवे से हालांकि बहुत सारी डिश बनती है, तो आज मैं रवा कचौरी बनाने जा रही हूँ। बच्चों को तो वैसे ही कचौरी का नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी आ जाएगा, और रवा हेल्दी भी रहता है, तो आज हम रवा कचौरी बनाएंगे। इसके जो इंग्रीडियंट्स है वो आपको आसानी से घर पे मिल जाएंगे, और बहुत ही आसान है इसको बनाना। सो लेट्स सी कैसे बनाते हैं हम लोग रवा कचौरी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी। लेट्स सी हाउ टू मेक इट। फ्रेंड्स, रवा कचौरी बनाने के लिए हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लिए, तो पहले तो मैं इसके कोटिंग के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बताऊंगी। कोटिंग के लिए हमने 1 कप रवा लिया है, तो उसका डबल हम पानी लेंगे, मतलब 2 कप। जो बर्तन आपने यूज किया है उसके लिए वही बर्तन यूज कीजिए। ये हमने ऑयल लिया है जिसमें हम फ्राई करेंगे। ये अजवाइन लिया है हमने 1/4 टेबल स्पून, और ये मिर्ची पाउडर है 1/4 टेबल स्पून, और नमक लिया है स्वादानुसार। तो ये चीजें हम पहले कोटिंग के लिए यूज करेंगे। और मसाले के लिए हमने लगभग 1/2 किलो आलू लिया है, 3 हरी मिर्च कटी हुई बारीक, ये चाट मसाला, और ये भूना जीरा पाउडर है। चाट मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, मैंने 1/4 टेबल स्पून लिया है, और भूना जीरा मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। ये मटर मैंने 1/2 कप लिया है, और हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून लिया है, और 1 1/2 टेबल स्पून मैंने ग्रेटेड जिंजर और गार्लिक लिया है, लहसुन और अदरक, और ये धनिया पत्ता लगभग 1/2 कप जितना, और ये ब्लैक पेपर, ये पाउडर है ब्लैक पेपर का, इसको हमने 1/4 टेबल स्पून लिया है, और ऑनियन 1 कटा हुआ। तो सबसे पहले हम आलू को अच्छे से ग्रेट करेंगे। आप चाहो तो इसको हाथ से भी ग्रेट कर सकते हो। अब हम इसमें ये जीरा पाउडर डाला, मटर, हरी मिर्च, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, अनियंस, प्याज, धनिया पाउडर, धनिया पत्ता सॉरी, और हल्दी पाउडर, ये नमक हम इसमें भी थोड़ा मिलाएंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें पानी डाल देंगे, ये 2 1/2 कप वाटर है, और पानी को थोड़ा गर्म होने देना है, तो इसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, अजवाइन डाल दिया है, और नमक डाल दिया। थोड़ा पानी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें रवा डालेंगे। ये पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें रवा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये डो की तरह नहीं बन जाता है, आटे की तरह नहीं बन जाता है। इसको अच्छे से चलाते रहना है तब तक। ये देखो, ये जल्दी ही पूरा पानी सोख रहा है क्योंकि हमने गर्म पानी में ये डाला था। बस इसको अच्छे से चलाते रहिए। देखो, आटा अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसमें भी हम थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे ताकि बहुत ही अच्छा कोटिंग लगे, और इसको अच्छे से बस चलाते रहो। एकदम आटे की तरह हो चुका है, अब हम इसे ठंडा कर देंगे। फ्रेंड्स, ये आटा अभी ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म है ताकि हम इसमें इसको अच्छे से बांध सके, बट हम इसे मिक्स कर सके इतना ही हल्का गर्म चाहिए। इसको आटे की तरह बांध देंगे,
देखिए तैयार हो चुका है। अब हम इसके इसको ग्रीस करते हुए अपने हाथ को ग्रीस करके थोड़ा सा इसका पोर्शन लेंगे और इसको स्प्रेड करेंगे। इसमें थोड़ा मसाला डालेंगे, इसको अच्छे से कोट करेंगे इससे। अगर कहीं पर कुछ पोर्शन आपको लग रहा है कि यहां पर जैसे थोड़ा सा पोर्शन ओपन है, तो यहां पर आप हल्का सा ही आटा लगा सकते हो। ये देखिए मैंने दो जगह इसको लगा दिया है। अब इसको कचौरी की तरह शेप दे देंगे। ये देखिए पूरा कचौरी का शेप आ चुका है। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे कचौरी। लुक एट दिस, अ कचौरी इज रेडी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक कचौरी डालेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और जैसे ही हम इसमें ये डालते हैं कचौरी रवे की, इसे डायरेक्टली मत चलाइए नहीं तो ये चिपक जाएगा बर्तन के। थोड़ी देर बाद इसे पलटना शुरू कीजिए। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए हमारी कचौरी तैयार हो चुकी है।